revealing all the universe, all things created by his hand and held together at his command. He knows the mysteries of the seas, the secrets of the stars are his. He guides the planets on their way and turns the earth through another day. The matchless wisdom of his ways that mark the path of righteousness. His word a lamp unto my feet, his spirit teaching and guiding me. And all the mystery of the cross, that God should suffer for the lost, so that the fool might shame the wise, and all the glory might go to Christ. Of your sovereignty. Each strand of sorrow has a place within this tapestry of grace. So through the trials I choose to say your perfect will in your perfect way. Each strand of will in your perfect way. भजन का लिखने वाला भजन संहिता 8 में कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध और पिटुओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि दे। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उससे के पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों पे चलते फिरते हैं, हे यहोवा हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग इस वक्त फेसबुक पे लाइव हमें देख रहे हैं और जितने लोग भी इस वक्त जूम पे है, मैं होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा पूरा परिवार धन्यवादित है कि इस वक्त आप परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं।
इस वर्शिप को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी दुआ करता हूँ और फिर वर्शिप के ऑर्डर ऑफ वर्शिप को आपके साथ शेयर करूंगा। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ परमेश्वर एक बार फिर से आपके पास में आते हैं प्रभु, और अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाता हूँ परमेश्वर, और पवित्र आत्मा की आग मांगता हूँ प्रभु यीशु नासरी की, वो इस वक्त हमारे बीच में सामर्थ हो परमेश्वर, और इस पूरी वर्शिप को पवित्र आत्मा आप अपनी अगुवाई में लीजिए परमेश्वर यीशु नासरी। जितने लोग यहाँ पे हैं, जितनी डिवाइसेस यहाँ पे हैं परमेश्वर, जितने लैपटॉप्स हैं, जितनी मोबाइल्स हैं, जितने आईपैड्स हैं परमेश्वर, और जितने लोग भी इस वक्त फेसबुक पे देख रहे हैं परमेश्वर, आप हर एक टेक्नोलॉजी को आप अपने कंट्रोल में ले, अपने कमांड में ले परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी, जब हम जो हमारे पास में दुआएं आई हैं, जो रिक्वेस्ट आई हैं परमेश्वर, हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे मध्य में उपस्थित हो परमेश्वर, और वो हर वो हीलिंग प्रभु यीशु नासरी आपकी महिमा और जलाल का कारण बनने वाला हो सके परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर, जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं परमेश्वर, आप वक्ता को अपनी सामर्थ से भरिएगा परमेश्वर, और हमें वो स्पिरिचुअल मन दीजिएगा परमेश्वर, वो आत्मा दीजिएगा परमेश्वर, हमारी वो वेदी इतनी सरगर्म कर दीजिएगा परमेश्वर कि आज वचन का जो बीज हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे गिरता है प्रभु यीशु नासरी, वो 7 गुना 70 गुना और 700 गुना फल लाने वाला हो सके परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को आप अपनी अगुवाई में लें, अपनी सामर्थ में लें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमेन आमेन और आमेन। थैंक यू। सो आप लोगों के साथ में मैं आज का जो अपना प्रेस का एंड वर्शिप का, इस पूरे वर्शिप का शेड्यूल है, ऑर्डर ऑफ वर्शिप है, उसको मैं शेयर करता हूँ। दिस विल बी लाइक दिस, पहले हमने ओपनिंग प्रेयर हो चुकी है, अब हम लोग इसके बाद में जो अनाउंसमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि एवरी सैटरडे 7:30 पे हमारी ये प्रेयर होती है, और मैं फेसबुक के माध्यम से और जितने लोग भी इस वक्त जूम पे उपस्थित हैं, अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं प्रेजम वर्शिप में लीड करने के लिए, परमेश्वर की हमदो सिताइश के लिए, आप प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट करिए और हमारी अगुवाई करिए प्रेजेंट वर्शिप में, और आप अपनी पूरे हफ्ते हमारे साथ टेस्टमनीज शेयर कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट हमें दे सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स आर देयर, तो आप हर किसी तरीके से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर टेस्टिमनीज एंड फॉर योर प्रेयर रिक्वेस्ट। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इस वक्त मैं समय निलिशा को दूंगा जो हमारी प्रेजेंट वर्शिप में अगुवाई करेंगी। सो निलिशा, मैं अपने आप को अनम्यूट करूंगा, आप अपना प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आई थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सिंग the glory of God. Today I'm going to sing Sarasvati ke Malik Tumhi. Sarasvati ke Malik Tumhi ho. Sarasvati ke Rakshak Tumhi ho. Karte hain tujhko sadar pranam. Gaate hain tere namta. Ah. हमारी
अगर मैं खोने न देना हा 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 ले लुया हा 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 ले लुया हा 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 ले लुया हा हा मी अब मैं दूसरा गीत गाऊंगी गिव थैंक्स टू द ग्रेटफुल गिव थैंक्स टू द ग्रेटफुल लॉर्ड Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son, and now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich. For what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. The sun. Thank you. Thank you so much, Nilisha, for this wonderful praise and worship. May God bless you. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वर्शिप के लिए. Hallelujah. Praise the Lord. So these are the some requests for healing prayers and some financial and professional support. So, हमारे बीच में पास्टर अमर भाटिया जी हिमाचल शिमला से जुड़े हुए हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अगर संभव हो तो कैमरे को खोलें. एंड टिल द टाइम आई विल रीड ऑल द रिक्वेस्ट. देयर इज फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर मिसेस रोमिला डेविड. शी इज फ्रॉम लखनऊ एंड शी हैज क्रोसिस ऑफ लीवर एंड शी इज गोइंग फॉर एंडोस्कोपी टुमारो. जस्ट गॉट द न्यूज. सो हमें अपनी दुआओं में इनको याद रखना है. Then Reverend Ashish Maxton, इनके लिए दुआ करनी है. He had several throat infection. Then third request is for Mr. Abhijit Samuel Maxton for his good health. Then Mrs. Shalina Doyle, she is not well and down with high grade fever. And there is one baby, AB, 3-year-old, suffering from throat infection. Mr. Abhijit Masi, for the healing of his swollen lymph node in the chest. And then pray for Mrs. Neetu Karamjeet for her uterus problem. And yes, there is another prayer request from Mr. Samir Swaroop. His auntie is not well. She is suffering from fever and cold and cough. And then for some financial and professional requests are also there. There are prayer requests for Mr. Abhijit Masi, and as his 4 months salary is due since last May, as of now, to release soon, and he is the sole bread earner of his family. He has a three-year twin daughters as well. The problem and all the problem at professional end should be resolved. We should ask in your prayer for Abhishek to get a new job. This is the very much urgent requirement. And now, Brother Joshin's brother, he is traveling for US.
So I'll request Pastor Amar Bhatia, please aap hamari in sari duaon mein agwai kare. Ji Pastor ji. Thank you Ashish bhaiya, thank you very much. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने जो जिन भी भाई बहनों के नाम यहां पर लिखे हैं लिस्ट के अंदर, जो लगभग 10 के करीब लोग हैं जिनको सच में एक चमत्कार की जरूरत है, एक मराइकल की जरूरत है, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता. सो गॉड इज अ माइटी गॉड एंड ही कैन डू एनी मराइकल फॉर दोज हु आर ट्रस्ट इन हिम. जिनका विश्वास यीशु मसीह पर है परमेश्वर उनके लिए कर सकता है. सो आइए हम सब एक मन से आंखें बंद कर लें और हम प्रार्थना करेंगे, एक एक करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है पवित्र के द्वारा तुम्हारा अभिषेक हुआ है और उस अभिषेक से सारा जुआ तोड़ डाला जाता है. वो अभिषेक जुए को तोड़ता है. रिलखा बसा रलखा बंदरे लेखे रे बेरे लेखे रे री शिखा जंदरे लखा रबो तोरो लखा रबा करी री 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 खबरा बंदो बोरो लम्मा मशखा जकंदरे लिखे तेरे लेबा ओ बाखा रलखा मम्मा शखा जकारी लिखे री 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 एंडा बरो लोखा मम्मा खातर रलखा बस जंदरे लरबा ओ Lord of Abraham, God of Abraham, Isaac and Jacob, Lord. Oh, Prabhu, hum aapka dhanyavaad dete hain. Prabhu, aapko chhod bade bade आश्चर्य कर्म कोई नहीं कर सकता. आपकी पुत्रात्मा के अभिषेक में प्रभु बंधन टूटते हैं. अभिषेक से जुआ टूटता है. उस अभिषेक से बीमार चंगे होते हैं. उस अभिषेक से बंधन टूटते हैं. जादू टोना टूटता है. अंधकार की शक्तियां टूटती है यीशु के नाम. परमेश्वर हम एक मन हो जाते हैं प्रभु. हम इस समय चंगाई की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. आज प्रभु 25 दिसंबर 2001 के दिन हम प्रभु यीशु अपनी आंखें तुझ पर लगाते हैं. हालेलुया प्रभु. ना तो बल से ना शक्ति से पर केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बीमार चंगे हो जाएंगे, पहाड़ टल जाएंगे, समतल मैदान हो जाएगा प्रभु, बंधन टूट जाएंगे. तेरा वचन कहता है कि तुम राई के दाने जितना विश्वास करो और पहाड़ से को जड़ सोकर के समुद्र में लग जा, वो लग जाएगा. पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, खासकर परमेश्वर रोमिला डेविड के लिए प्रभु जी लखनऊ में है प्रभु. प्रार्थना करते हैं लीवर की हर प्रकार की बीमारी उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में. तेरी पुत्रात्मा की सामर्थ्य प्रभु लीवर को छुए. प्रभु आपका अभिषेक लीवर को छुए और प्रभु रोमिला डेविड का प्रभु इंडोस्कोपी में प्रभु चंगाई की सामर्थ्य उतरे और यीशु के नाम से प्रभु लीवर की बीमारी, लीवर का इंफेक्शन, लीवर की समस्या यीशु मसीह के नाम से जाती रहे. हालेलुया प्रभु जी. आपका वचन सच्चा है प्रभु जी. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु. तेरा वचन कहता मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं. प्रभु आपकी चंगाई उतरे और रोमिला डेविड यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए प्रभु. निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 26 वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं. प्रभु आप अपने वचन के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार प्रभु मैं रोमिला डेविड को चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम में. एक मराइकलसली चंगाई होने पाए ताकि आपके नाम की गवाही परमानेंटली प्रभु स्थिर हो जाए रोमिला डेविड के जीवन में. पिता इस समय हम खासकर आशीष मैक्सटन के लिए प्रे करते हैं प्रभु परमेश्वर. प्रभु थ्रोट इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से चला जाए. हर प्रकार का थ्रोट इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से जाता रहे प्रभु जी. प्रभु आपने कहा है कि हो उसी निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया. ये शाया की किताब 53 अध्याय उसका 4 वचन कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे ही शांति के उस पर ताड़ना पड़ी ताकि हमारे अधर्म के कामों हेतु वो कुचला गया और हमारे ही उसी के कोरे खाने से हम चंगे हो गए हैं. प्रभु हम भाई आशीष मैक्सटन के लिए प्रार्थना करते हैं. थ्रोट का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए. हालेलुया टच एंड हील हिम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. फ्लो योर हीलिंग पावर इन हिज लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. हालेलुया प्रभु मैं विश्वास करता हूं क्योंकि धर्मी जन की विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता.
सकता है प्रभु। हमारी धार्मिकता हमारे भले कामों से नहीं है, हमारी धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। और प्रभु सच में धर्मियों की प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं प्रभु। ये मिराकुलसली गवाही आशीष मैक्सटन के जीवन में खड़ी हो जाए और परमानेंट वो आपका गवाह बन जाए और कह सके सच में प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु हम तीसरी प्रार्थना करते हैं अभी अभिनीत शमोल के लिए। परमेश्वर पिता एक अच्छी सेहत उन्हें दीजिए। हालेलुया परमेश्वर एक अच्छी सेहत उन्हें दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार के फिजिकली वीकनेस को शरीर की कमजोरियों को दूर करिए। हालेलुया प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके 39 कोड़े जो आपने 39 कोड़े पैंतूस पिलातूस के राज्य में सामर्थ्य प्रभु भाई प्रभु अभी अभिनीत के जीवन में जाए। अभिनीत भाई 100% हेल्थी और तंदुरुस्त हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बहन प्रभु जी प्रभु शालीना के लिए प्रभु। हाँ या यीशु मसीह के समर्थी नाम से उनका बुखार उतर जाए, फीवर खत्म हो जाए। हालेलुया हाई फीवर खत्म हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। जैसे आपने पत्रस की सांस को छुआ और उसका बुखार जाता रहा, वैसे ही प्रभु जैसे आपने पत्रस की सांस को छूकर चंगा किया, वैसे परमेश्वर पिता इस समय शालीना के लिए प्रार्थना करते हैं। शालीना डॉयल के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका बुखार यीशु के नाम से इसी समय हाई फीवर गेट आउट फ्रॉम हर प्रभु। हम बेबी एबी के लिए प्रार्थना करते हैं, 3 साल के बच्चे के लिए परमेश्वर प्रभु। उसके जो थ्रोट में इंफेक्शन है परमेश्वर पिता, उस छोटे से बच्चों को तू प्रभु छू ले। हालेलुया प्रभु आपने याइर की बेटी को चंगा करके मुर्दों में से जिंदा कर दिया। आप यहोवा रफा आज भी परमेश्वर है, आप भी बच्चों से प्यार करते हैं प्रभु जी। उस 3 साल की बेटी को प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने पवित्र पुत्र यीशु मसीह के नाम में प्रभु इसी समय छूए। और गले का इंफेक्शन थ्रोट इंफेक्शन वो बच्चे के जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। बीमारी की गंदी आत्मा खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इस समय अभिजीत मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। जो प्रभु उनके प्रभु जी चेस्ट में और गले के अंदर तकलीफ है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से निकलने में तकलीफ होती है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू ही यहोवा रफा चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आपने कहा मैं चंगा करूंगा, आपने कहा मैं चंगा करूंगा। यीशु मसीह के 39 कोड़े प्रभु कम नहीं है प्रभु जी। आपने निश्चय हमारे रोगों को उठा लिया प्रभु, कन्फर्म उठाया है प्रभु जी। आज हम उसी वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं अभिजीत मसीह यीशु के नाम में प्रभु। वो जो 2021 साल पहले अपने शरीर को तुड़वाया प्रभु, आपने अभिजीत भाई के लिए शरीर को तुड़वाया। आपने 39 कोड़े खाने की सामर्थ्य आज प्रभु इस फोन के जरिए जूम मीटिंग के जरिए अभिजीत मसीह जीवन में जाए और उनके जीवन के सारी बीमारी के बंधन टूट जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु बहन नीतू के लिए प्रार्थना करें, नीतू करमजीत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनके यूट्रस में जो प्रॉब्लम है प्रभु, यूट्रस की हर प्रकार की प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु बहन नीतू के यूट्रस की प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। इसी समय वो बहन तेरी सामर्थ्य को महसूस करे, आत्मा का अभिषेक उस बहन के अंदर जाए। और जितने भी नाम 7 नाम हमने लिए हैं, एक बार फिर से इन 7 लोगों को छुईए प्रभु। आपकी पुत्रात्मा की आग, पुत्रात्मा का अभिषेक, पुत्रात्मा की सामर्थ्य इन 7 को छुए प्रभु। इसी समय स्वर्ग खुल जाए प्रभु। जैसे प्रभु जब यीशु मसीह आप बपतिस्मा लिए और निकले पानी से, तो बाइबल में लिखा स्वर्ग खुल गया। हालेलुया प्रभु आज इन लोगों पर स्वर्ग खुल जाए। आज परमेश्वर यहोवा रफा बनकर इनकी चंगाई दे। हालेलुया और प्रभु आज जूम मीटिंग के जरिए आपके नाम की परमानेंट गवाही पवित्र आत्मा स्थिर कर दे इनके जीवन में। धन्यवाद करते प्रभु जी आपने दुआ को सुना। इस समय हम फाइनेंशियली और प्रोफेशनली उन कर्ज के लिए प्रभु हम तोड़ने की प्रार्थना करते हैं। फाइनेंशियली कर्ज टूट जाए यीशु के नाम से, और प्रोफेशनली कर्ज टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिस भाई की 4 महीने से सैलरी रुकी है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से अभिजीत मसीह को प्रभु। इसी समय प्रभु फाइनेंशियली कर्ज टूट जाए यीशु के नाम से, फाइनेंशियली कर्ज टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु। आपका वचन कहता है कि यहोवा के डर मानने से धन महिमा और जीवन
जीवन मिलता है प्रभु, आपके धर्म आने से धन महिमा और जीवन मिलता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज, प्रभु ये भाई अभिजीत परमेश्वर पिता जो तेरी उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे लोगों को दी है, हम सब तेरे लोग एक मन से प्रार्थना करते हैं अभिजीत मसीह के 4 महीने की सैलरी रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु आपने हमें ये अधिकार दिया है प्रभु जी, और आपके दिए अधिकार के अनुसार हम प्रभु जी वो 4 महीने की सैलरी को यीशु मसीह के नाम में रिलीज करते हैं। जीसस माइटी नेम लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अभिषेक के लिए, उसे एक अच्छी जॉब मिलने पाए प्रभु भाई, अभिषेक को एक अच्छी जॉब मिलने के लिए प्रभु बंद रस्ते खोल दे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा, और जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंद हो जाएगा। हम प्रभु जी अभिषेक भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सारी प्रभु नौकरी की अच्छी अपॉर्चुनिटी ये के सारे बंद दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया हमेशा पिता जोहान्स ब्रदर के लिए प्रभु जी, वो जबकि अमेरिका ट्रेवलिंग के लिए प्रभु आज जा रहे हैं, परमेश्वर तेरी उपस्थिति तेरे वचन के अनुसार उनके साथ हो प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि इज़राइल का परमेश्वर न कभी सोता है न कभी उठता है, वो अब से लेकर सदा हमारे आने और जाने में रक्षा करता रहेगा। प्रभु आप अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देते हैं जाके अपने वचन के अनुसार अपने लोगों की सहायता करें, सफर में आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु जी। आपके आपका वचन कहता है जैसे यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़ है, वैसे यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के चारों तरफ अब से लेकर सदा बना रहेगा। हालेलुया प्रभु आपकी प्रेजेंस, प्रभु आपकी होली प्रेजेंस आपको घेरने पाए। हालेलुया बाबा बशंद कतेरीले बाबा वजरा लखरा बंदरा लखरा बरबा। प्रभु ये 10 प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शैतान ने अंधकार की शक्तियों ने जो ये 10 के 10 लोगों के जीवन में प्रभु समस्या को लाया है, और शैतान की आई हुई समस्या आज यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के अभिषेक से आज टूट जाए। प्रभु आपके नाम की महिमा इन 10 लोगों में नहीं बल्कि इनके द्वारा हजारों तक पहुंचने पाए। धन्यवाद करते हैं भाई आशीष के लिए, बहन शालिनी के लिए, निलिशा के लिए, और जूम में जुड़े हुए सब दीजिए, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी आपने प्रार्थना को सुना, विश्वास करते हैं और आपने महिमा के काम कर दिए, आपने बड़ी बड़ी दवाइयां खड़ी कर दी है प्रभु जी, आपने बंधन तोड़ दिए हैं, बीमारियों को चंगा कर दिया है प्रभु, शराब टूट गए हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम में, सुने और कबूल करें। आमेन 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 आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। आमेन पास्टर जी, परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस, थैंक यू श्रीया प्रभु आप सबको ब्लेस करे प्रभु, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड इनफैक्ट भाई साहब मैं मेंशन करना भूल गया, हमारे बीच में जो आज की वक्ता हैं सिस्टर नीना दास जी, पिछले 3 दिनों से वो खुद भी फीवर से वो हैं, इंफेक्टेड हैं, उनको भी फीवर हो रखा है, और मैं चाहूंगा कि वचन में जाने से पहले आप वचन के लिए और स्पेशली सिस्टर नीना दास के लिए प्रेयर करें, और उसके बाद में मैं सिस्टर नीना दास को इनवाइट करूंगा कि वो परमेश्वर की वचन में हम सब की अगुवाई करें। सिस्टर नीना दास प्रोफेशनली टीचर हैं PGT बायोलॉजी, और प्रेजेंटली वर्किंग हैं मॉन्टफोर्ट इंटर कॉलेज लखनऊ में, और मेंबर हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ की। सो दिस वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टर नीना दास, और प्रेयर के बाद में मैं पूरा पूरा प्लेटफॉर्म सिस्टर नीना को दूंगा। प्लीज यस भाई साहब। ओके थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू एंड वी प्रेज यू, गिव यू ग्लोरी हेवनली फादर। नीना दास बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु आपका वचन कहता है कि मूल से बोलना परमेश्वर की ओर से है, प्रभु आप ही परमेश्वर है जो अपने लोगों के मुंह से अपने लोगों के साथ बातचीत करते हैं प्रभु। बहन नीना दास के लिए प्रार्थना करते जो लखनऊ से है प्रभु, इस समय जो 3 दिन से प्रभु फीवर से वो जूझ रही है, बुखार से तंग है प्रभु, हम प्रार्थना करते फिजिकल में प्रभु, शारीरिक रूप में प्रभु जी, उनके शरीर के अंदर से हर प्रकार की फीवर की वो बीमारी बुखार की सामर्थ्य टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, सारी आदर में आपको देते हैं प्रभु। जो बहन अनीता जो आज प्रभु परमेश्वर आज वचन को बांटने जा रही है जूम मीटिंग के थ्रू, फेसबुक लाइव के थ्रू, प्रभु इस बहन को अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे आज, होली स्पिरिट इस बहन के ऊपर पवित्र आत्मा पूरा कब्जा करिए,
सुनने वालों पर पुत्र आत्मा का नियंत्रण हो। प्रभु जब बहन बोले, बहन नहीं बल्कि बहन के अंदर से पवित्र आत्मा की सामर्थ बोलने पाए, और आज के वचन से प्रभु आपके लोगों का हृदय छिद जाए, और प्रभु आज लोगों के मन खुल जाए ताकि वचन अधिकाई से प्रभु कानों में नहीं बल्कि वचन कानों से हृदय में बसने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा द्रा आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम से सुनर कबूल करें। आमेन 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 आमेन। थैंक यू आशीष भैया। मैं जब इस सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहा था जी, लखनऊ से है, टीचर है जी, मुझे प्रभु की प्रेजेंस में एक चीज महसूस हुई, आशीष प्रेइंग फॉर पर्टिकुलर थिंग। वो सिस्टर एक पर्टिकुलर चीज को परमेश्वर से मांग रही है, और आज प्रभु मुझे कह रहा था कि शी इज प्रेइंग फॉर द पर्टिकुलर थ्री थिंग्स, तीन चीजें मांग रही है, एंड गॉड इज गोइंग टू आंसर फ्रॉम टुडे। गॉड इज गोइंग टू आंसर फ्रॉम टुडे एंड गॉड इज गोइंग टू मेक यू परमानेंट विटनेस फॉर क्राइस्ट। गॉड इज गोइंग टू मेक हर अ परमानेंट विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड शी विल बी ग्लोरीफाई द नेम ऑफ जीसस फ्रॉम टुडे. And she will see the wonderful miracles in her life from today. And that God is going to use her with extraordinary anointing. Hallelujah. All glory to Jesus. All glory to Jesus. Praise God. Thank you. Thank you so much, Pai Sahab. और इस प्रोफेसी के लिए, एंड मैं अब आगे का समय सिस्टर नीना दास को देता हूँ, और हमारा विश्वास है कि हम सब ने आज इस प्रोफेसी को रिसीव किया है जो सिस्टर नीना दास अपने जीवन में रिसीव करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। एंड सिस्टर नीना दास, आगे का समय आपके पास में है। आप सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं परमेश्वर के वचन की मनादी कर सकूं। मैं धन्यवाद देती हूँ ब्रदर आशीष को, सिस्टर शालिनी को और होल्ड द क्रॉस मिनिस्ट्री को कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और पास्टर अमर भाटिया, मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ, और मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपकी मिनिस्ट्री को भी आशीषित करे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए और तमाम आशीषों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन का सुनाया जाना और इस प्रार्थना सभा को, हर एक चीज को प्रभु यीशु मसीह आपके अधिकार में सौंपते हैं, और आपसे मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि पवित्र आत्मा मेरी वचन देने के वक्त में मेरी अगुवाई करे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी वचन दिया जाए प्रभु यीशु मसीह, वो आपकी अगुवाई में होकर देने वाला हो सके। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हुए आपके सामर्थ्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। एक सुंदर गवाही तो यही है कि 3 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, आज 3rd डे है, और फिर भी परमेश्वर ने मुझे इस लायक किया। आज मेरी तबीयत बहुत बेटर है पहले से, और परमेश्वर ने मुझे इस लायक किया कि मैं आज का वचन आप सबों से शेयर कर सकूं। जबकि आप लोग ने वो फ्लायर्स जो क्रिएटिव्स शेयर करे गए हैं, उसमें आपने की जो टॉपिक मेंशन्ड है वो रिलेटेड है विजडम से। तो आज मैं आपसे बातचीत करूंगी लिविंग एंड द डेड विजडम, विजडम फ्रॉम अबव एंड विजडम फ्रॉम बिलो, द लिविंग एंड द डेड विजडम। इससे हम सब मसीही लोग हैं, हम सब बाइबल पढ़ने वाले, वी आर बाइबल रीडिंग क्रिश्चियंस, और ये सच में एक बहुत सुंदर बात है कि हम मसीह बाइबल रीडिंग क्रिश्चियंस हैं, और हम सब ने बाइबल में भी एक बार पूरी बाइबल पढ़ी होगी, और बहुत से लोगों ने बाइबल को कई बार एन नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा होगा, और ये
बहुत अच्छी बात है कि जब हम वचन पढ़ते हैं और हम वचन का ज्ञान हमें मिलता है। बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी भी है हम सबकी जिंदगियों के लिए। दूसरी चीज, वी आर बाइबल रीडिंग क्रिश्चियन, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, हम जितने मसीह यहाँ पर एकत्रित हैं, यहाँ जमा हैं, आई एम श्योर जब हम छोटे थे तो हमने संडे स्कूल अटेंड किया होगा। संडे स्कूल में हम लोगों को बहुत सी कहानियां, बहुत सी बातें सिखाई जाती हैं और बाइबल की नॉलेज जो है वो हमें संडे स्कूल के द्वारा बचपन में मिली। आज जब हम बड़े हैं, वचन पढ़ते हैं, तो बाइबल की नॉलेज जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्या चाहे वो 10 कमांडमेंट्स हो, कितनी चीजें हम वचन में पढ़ते हैं और इसकी नॉलेज हमें वचन से मिलती है। पिछले दिनों मेरे हस्बैंड का की बातचीत, कॉन्वर्सेशन उनके एक फ्रेंड से हो रही थी। उस कॉन्वर्सेशन, वो कॉन्वर्सेशन कुछ रिलीजियस व्यूज को लेकर थी और इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को बताया कि हम लोग के चर्चेस में, चर्च में पास्टर वचन देते हैं और वचन की बातें हमें सिखाते हैं, लेकिन वो बच्चों के लेवल से ऊपर होती है। तो हम लोगों के यहाँ संडे स्कूल होता है जिसमें बच्चे संडे स्कूल जाते हैं और वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान उन्हें संडे स्कूल से मिलता है, उनके लेवल में वो बातें बताई जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को ये बात बहुत अच्छी लगी। वो नॉन क्रिश्चियन है और उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम लोग के कम्युनिटी में ये होता है। और सचमुच में मैं धन्यवादित हूँ इस चीज के लिए कि हमारे चर्चेज में संडे स्कूल होता है और हम अपने बच्चों को बहुत सी चीजें इन संडे स्कूल के द्वारा वचन का के बारे में सिखा सकते हैं। और उनका ये कहना था कि हमारे रिलीजन में ये चीज नहीं है एंड वी डोंट नो डाउन द लाइन इन द फर्दर जेनरेशंस इनको कितना अपने रिलीजन के बारे में पता होगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बच्चे संडे स्कूल जाते हैं, सो वी गेन द नॉलेज ऑफ द बाइबल संडे स्कूल से, वचन पढ़ने से। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि नॉलेज तो हम गेन करते हैं वचन से, लेकिन क्या जो नॉलेज हम वचन से गेन करते हैं हम उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं कि नहीं? एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर मसीह की जिंदगी में है। हम में से, जैसे मैंने कहा, हम में से ऑलमोस्ट सभी बाइबल रीडिंग क्रिश्चियंस होंगे और हमें बहुत ज्ञान वचन का होगा, बहुत ज्ञान होगा वचन का, लेकिन क्या हम उस वचन के ज्ञान को अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करते हैं? या फिर हम इन अदर वर्ड्स कहें कि वचन की बातों पर क्या हम चलते हैं? डू वी वॉक द बाइबल? क्या हम वचन की बातों पर चलते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब हम विजडम की बात करते हैं तो व्हाट इज विजडम? विजडम क्या है? आज हम बात करेंगे विजडम क्या है, विजडम कहाँ से पाई जाती है, विजडम के बेनिफिट्स और विजडम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो विजडम क्या है, एक सिंपल सी भाषा में, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, एप्लीकेशन ऑफ द बाइबल इन आर लाइफ, एक मसीह की जिंदगी में। दो तरह के विजडम्स हैं परमेश्वर ने दिए हैं, वन इज वर्ल्डली विजडम एंड वन इज द गॉडली विजडम, है ना? तो विजडम यदि हम मसीह बात करें तो ये एक एबिलिटी है अपने जीवन को परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से जानना, देखना और उस पर चलना, ये विजडम है। When we surrender our lives to God and let God rule over us, this is what is wisdom. यदि हम
वचन पढ़े तो इवन हम अपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक हम अभी कुछ एग्जांपल्स देंगे तो आप उसमें से समझेंगे और जानेंगे कि विजडम क्या चीज है। एक एग्जांपल मैं अगर वचन से दूं तो अगर हम फेरो की बात करें तो फेरो को ड्रीम्स आए थे और फेरो को हर ड्रीम अपना बहुत अच्छे से याद था। उसको उस ड्रीम की नॉलेज थी लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि उस सपने का मतलब क्या है। जो सपना उसने देखा उसका मतलब क्या है। परमेश्वर ने जोसेफ को खड़ा किया और उसको वो विजडम दी उस सपने को इंटरप्रेट करने के। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम शाउल की बात करें, शाउल और दाऊद, दाऊद जब गोलियत से लड़ने जा रहा था, ये तब की बात है, शाउल ने क्या किया, शाउल ने अपना अपना अर्थली विजडम इस्तेमाल किया और शाउल ने सोचा कि दाऊद गोलियत से लड़ने जा रहा है जिससे कोई जीत नहीं पाया, तो शाउल ने उसको एक जो आर्मर पहनाते हैं वॉरियर्स को वो आर्मर पहनाया। लेकिन दाऊद ने वो आर्मर जब उसने पहना तो ही फेल्ट अनकंफर्टेबल और दाऊद ने वो आर्मर अपना हटा दिया और दाऊद जो है वो उसने अपनी जिंदगी परमेश्वर को सरेंडर करी हुई थी, ठीक उसी तरह से जोसेफ ने भी करी हुई थी। और परमेश्वर ने दाऊद को वो विजडम दी कि कैसे गोलियत को वो हरा सके और वो विक्टोरियस हुआ, जिसमें से परमेश्वर की महिमा हुई। परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना विजडम से अपने करी। फाउंडेशन जो पृथ्वी का ले हुआ वो परमेश्वर ने विजडम से करी। एट द राइट प्लेस सूरज है, एट द राइट प्लेस हमारा प्लैनेट है, चांद सितारे हैं, पानी बनाया, जमीन बनाई, हिल्स बनाया। जब मैं पहाड़ों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि परमेश्वर ने बहुत सोच के पहाड़ बनाया होगा कि जब कभी इंसान थके और मेहनत जब इंसान अपनी जिंदगी में करेगा, जब थकेगा तो पहाड़ों पर जाएगा तो तब एक अच्छा एक उस ब्यूटी को एंजॉय करेगा और अच्छा फील करेगा। ये मेरा अपना मानना है। तो परमेश्वर ने इन सारी चीजों को बनाया, डिस्टेंस सही रखा, जितनी हीट अर्थ को चाहिए थी उतनी हीट अर्थ को मिली क्योंकि अर्थ को वार्मथ भी चाहिए। तो सारी चीजें परमेश्वर ने बहुत अपने विजडम से हमारे लिए रची। और जब इंसान दुनिया में आया तो इंसान ने अपने नॉलेज को, दुनियावी नॉलेज को इस्तेमाल किया, उस विजडम जो दुनियावी विजडम है उसको लगाया और क्या किया हमने पृथ्वी पर, हमने पृथ्वी को पोल्यूट कर दिया। यदि हम बात करें विजडम की तो सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन ऑफ बिब्लिकल नॉलेज इन आवर लाइफ, वचन पर चलने वाले बनना ही विजडम है। अगर हम अपने आप से ये पूछे कि हमें विजडम कहां से मिलेगी, फ्रॉम वेयर डू वी गेट विजडम, तो वचन बहुत क्लियरली हमें बताता है कि विजडम जो है वो हमें वचन से ही मिलता है, विजडम जो है परमेश्वर से ही मिलता है। यदि हम नीति वचन खोले और उसमें देखें तो हम पाएंगे कि वहां पर बहुत क्लियरली बताया है कि नीति वचन उसका 2 और उसका 6 वर्स, उसमें बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि विजडम इज फ्रॉम द लॉर्ड। फिर नीति वचन अगर हम 9 और उसका 10 देखें तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। अब सबसे पहली चीज तो बहुत ही क्लियर है कि परमेश्वर हमें विजडम देता है, द विजडम इज फ्रॉम द लॉर्ड गिव्स द विजडम। फिर दूसरी चीज, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम।
अगर हम बात करें फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, तो व्हाट इज दिस फियर ऑफ द लॉर्ड? परमेश्वर से डर के बैठे रहना, इज दिस फियर ऑफ द लॉर्ड? यदि हम वचन पर ध्यान दें तो फियर ऑफ द लॉर्ड इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट इज गिवन इन द बाइबल इन आवर लाइफ्स। यदि हम बाइबल के बताए हुए, वचन के बताए हुए, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चले, दैट इज फियर ऑफ द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दे, दैट इज फियर ऑफ द लॉर्ड। एंड यहीं से जब हम व्हेन वी सरेंडर आवर लाइव्स टू गॉड, यहीं से विजडम से परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। याकूब की किताब, आज मैंने दो पैसेजेस बाइबल में से लिए हैं आपसे शेयर करने के लिए। और सबसे पहला पैसेज मैंने लिया है नीति वचन उसका 3:13 से पढ़ेंगे, जहां लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वो मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहता है वो धन्य है। और जो दूसरा पैसेज मैंने लिया है वो जो क्रिएटिव बना है उसमें वो वर्स दी हुई है, और जो दूसरा पैसेज है वो याकूब की किताब बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 3:13 से 17 तक हम देखते हैं। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तू अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये दो पैसेजेस मैंने आज के वचन के लिए चूज किया है। और यहाँ पर जब हम ज्ञान की, जब हम बुद्धि की बात करते हैं, जब हम विजडम की बात करते हैं, तो याकूब की किताब जब हम पढ़ें तो उसके पहले वचन के पहले अध्याय के 5 में हम देखें तो वहां पर बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। सो वेयर डू वी फाइंड विजडम? द लॉर्ड गिव्स अस विजडम। नीति वचन 2:6 लिखा है, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। नीति वचन 9:10 में और याकूब हमसे यहाँ पर बातचीत करते हैं और बताते हैं कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। अब उदारता से देने का मतलब क्या है? कि he gives liberally, बिना उलाहना दिए, विदाउट रिप्रोच, विदाउट फॉल्ट फाइंडिंग परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। जब मैंने आपसे शुरू में अभी बातचीत करी थी तो मैंने बोला था वचन के पढ़ने वाले हम में से बहुत है, तो वचन का ज्ञान हमें है, नॉलेज है। एक डिफरेंस है नॉलेज। बाज दफा ऐसा होता है कि जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान बड़ा एक्सपीरियंस्ड इंसान है, या कोई किसी बुजुर्ग से हम मिले तो हमें लगता है कि ये बुजुर्ग है ये, और हम ये सोचते हैं कि जिस इंसान को नॉलेज है, जो इंसान एक्सपीरियंस्ड है या जो इंसान बुजुर्ग है वो वाइज भी होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन हमें ये बताती है कि विजडम
जो है वो सिर्फ नॉलेज एक्सपीरियंस एंड बीइंग ओल्ड इन एज नहीं है, से नहीं मिलता है। हो सकता है कि एक इंसान लीडर हो या किंग हो बट ही मे नॉट बी वाइज, हो सकता है कि लोग पैसे वाले हो बट दे मे नॉट बी वाइज, ऐसे इंस्टेंसेस आपने सुने होंगे। हो सकता है कि ये पैसे वाले लोग कैसे अपनी, जब वाइज नहीं होते हाउ डू दे लूज देयर मनी। हो सकता है कि कोई बहुत नॉलेजेबल हो बट जरूरी नहीं है कि वो, अगर नॉलेजेबल है, दुनिया का ज्ञान है उसे, तो वो वाइज हो। आज हम दुनिया में देखते हैं नॉलेज बहुत है, हर प्रकार की नॉलेज, एवरीवेयर देयर इज नॉलेज, हर प्रकार की नॉलेज, लेकिन फिर भी हम अपना विजडम नहीं यूज करके कितना अपने पृथ्वी को हम खराब कर रहे हैं। यू मे कम अक्रॉस अ पर्सन हु इज वेरी स्मार्ट, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट जरूरी नहीं है कि वो विजडम से बना हुआ है। हो सकता है कि ये लोग मे बी वाइज इन द वेज ऑफ द वर्ल्ड, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि दुनियावी तरीके से ये लोग वाइज हो, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो अलग ही है। दो तरह के विजडम, जैसा मैंने कहा, परमेश्वर जो है वो विजडम देते हैं अर्थ को, पृथ्वी को गवर्न करने के लिए, नेशंस को चलाने के लिए, लेकिन परमेश्वर एक विजडम जो है वो अपने एक सेट ऑफ लोगों के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए वो अलग रखते हैं। और वो विजडम हमें हमें हमारे पवित्र शास्त्र से मिलता है। तो जब हम उस विजडम को, जब हम उस विजडम से ब्लेस होते हैं, कैसे ब्लेस होते हैं, व्हेन वी अप्लाई व्हाट वी रीड इन द बाइबल इन आवर लाइव्स, तो परमेश्वर हमें उस विजडम से ब्लेस करता है। जब हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं, व्हेन वी सरेंडर आवर लाइव्स टू गॉड, जब हम अपनी जिंदगी अपने परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो वो हमें उस विजडम से ब्लेस करता है। और इट इज देन दैट वी आर क्लास अपार्ट फ्रॉम द अदर्स, जो हम में से हर एक मसीह को होना चाहिए। वी शुड बी, वी आर मेड टू बी क्लास अपार्ट फ्रॉम द अदर्स, क्योंकि हमारे पास हमारा पवित्र शास्त्र है। वी शुड बी, वी आर मेड टू बी क्लास अपार्ट फ्रॉम द अदर्स, और वो तभी हो सकता है जब हम वचन को अपनी जिंदगी में लाए और उस वचन पर चलने वाले हो सके। मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपसे बताया, पीपल हु आर एक्सपीरियंस, पीपल हु आर ओल्ड इन एज, पीपल हु आर नॉलेजेबल। मैं आज जिस, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, लेकिन यहां पर मैं परमेश्वर के की महिमा की बात कर रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे बहुत सी चीजों से ब्लेस किया जिसके शायद मैं लायक नहीं थी। और क्यों लायक नहीं थी मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने स्कूल में, आई हैव बीन प्रोमोटेड एज अ सीनियर कोऑर्डिनेटर, और आई एम वर्किंग इन अ मिशनरी स्कूल जहाँ पर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल जो है वो ब्रदर्स होते हैं। और द पावर्स दैट आई हैव इन द स्कूल इज इक्विवेलेंट टू द पावर्स ऑफ अ वाइस प्रिंसिपल। तो कोई भी हम में से एक मतलब ब्रदर्स के अलावा वहां पर कोई वाइस प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, दैट पोस्ट इज फॉर देम, बट आई हैव द पावर्स ऑफ अ वाइस प्रिंसिपल, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आई एम यंग इन द स्कूल, मतलब यंग इन द सेंस बाय एज मैं बहुत यंग नहीं हूँ, लेकिन हमसे बहुत से लोग जो हमारे उम्र से बहुत बड़े हैं, टुवर्ड्स रिटायरमेंट हैं, वो उस स्कूल में हैं, दे आर ओल्ड। बहुत से ऐसे टीचर्स हमारे स्कूल में हैं जो हमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हमसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं, हमसे कहीं ज्यादा नॉलेजेबल हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, दे आर PhDs। और मैं उन परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि मैं भी उन लोगों से आशीषित होती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से सीखती हूँ। लेकिन मैं आपको जो बताना मांग रही हूँ वो ये है कि व्हेन यू सरेंडर योर लाइफ टू गॉड,
जब आप अपना जीवन परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, यू आर ब्लेस्ड विथ विजडम. और जब व्हेन यू लुक अप टू द लॉर्ड, यू नो द लॉर्ड लिफ्ट्स यू अप. एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन माय लाइफ. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ. मैं आपको यह बताना मांगती हूँ कि एज वाइज, नॉलेज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, आई एम लेस देन मेनी इन द स्कूल, बट गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद विजडम. और इसी की वजह से आई हैव बीन प्रमोटेड एज अ सीनियर कोऑर्डिनेटर. एक और टेस्टिमनी मेरी जिंदगी की है. इन दिनों जब लॉकडाउन था, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉकडाउन, जब हुआ और स्कूल्स वर अफेक्टेड, पढ़ाई जो है वो बच्चों की अफेक्ट हुई थी, और तब वो नया प्लेटफॉर्म ढूंढा जा रहा था, जो कि अब हम लोग बड़े वेल वर्स्ड हैं विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. और तब एज टीचर सी, आई एम नॉट कंप्यूटर सैवी, मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छा नहीं आता है. इनफैक्ट हम कह देंगे नहीं आता, थोड़ा बहुत मैं चला लेती हूँ, और मैं इस पर मोबाइल पर टाइप वाइप कर लेती हूँ. आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दैट. बट देन वी हैड टू स्टार्ट विद समथिंग. और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कंप्यूटर सैवी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने प्रार्थना करी कि कुछ करना है, ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है. मैंने अपने प्रिंसिपल से बात करी. आई इनिशिएटेड द प्रोसेस. हमारे यहाँ के कंप्यूटर टीचर्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो हेल्प नहीं कर पा रहे थे. इंटरनेट इश्यूज था और बहुत सी चीजें थी. मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, जबकि मेरा ये फील्ड नहीं है. परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया एंड आई कुड स्टार्ट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग, इवन दो मैं उस एरिया में कुछ नहीं जानती थी. एंड टुडे वी आर डूइंग वेरी वेल. ये परमेश्वर की आशीष है. दिस इज द ब्लेसिंग दैट यू रिसीव व्हेन यू सरेंडर योर लाइफ टू गॉड. यदि हम इधर उधर लोगों पर बैंक करते और कहते कि तुम मेरी हेल्प कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको वैसा कर दो, तो शायद ये चीजें नहीं हो पाती. लेकिन मैंने परमेश्वर से मांगा, और हाँ जरूर है कि परमेश्वर ने ऐसे लोग खड़े किए जिन्होंने मेरी हेल्प करी, और इस प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग को हम आगे बढ़ा सके. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इन सारी चीजों के लिए, जो मेरी जिंदगी में एक टेस्टिमनी है जो मुझे दी है परमेश्वर ने, जो कि मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ. सो गॉड लिफ्ट्स यू व्हेन यू सरेंडर योर लाइफ टू जीसस, एंड व्हेन यू गिव जीसस द फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ. वो हमें क्लास अपार्ट, जैसे मैंने बताया ना, एक सेट ऑफ विजडम है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है, विच मेक्स अस क्लास अपार्ट एंड वी आर मेंट टू बी क्लास अपार्ट. ये विजडम. यदि हम अब बेनिफिट्स ऑफ विजडम की बात करें कि विजडम से हमें क्या आशीष, क्या बेनिफिट्स हैं विजडम के, क्यों बाइबल, क्यों वचन, आप नीति वचन तो पूरा विजडम से भरा हुआ है, क्यों बाइबल हमसे विजडम की बात करती है, ऐसी क्या बात है इसमें, इस विजडम में. सो लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ विजडम, जो कि नीति वचन उसका जो तीसरा अध्याय मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, और उसके हम पढ़ेंगे 13वें वचन से, जहां पर लिखा है ब्लेसेड इज द मैन. मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. ब्लेसेड इज द मैन हु फाइंड्स विजडम, द मैन हु गेन्स अंडरस्टैंडिंग. सो अब वचन तो ये सीधे सीधे कहता है कि ब्लेसेड इज द मैन, ब्लेसेड इज द मैन. हिंदी में कहा धन्य है वो मनुष्य. वचन कहता है कि समवन हु इज ब्लेस्ड विद विजडम. व्हाट काइंड ऑफ विजडम आर वी टॉकिंग अबाउट? द विजडम फ्रॉम द बाइबल. बाइबल के विजडम, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा जो विजडम हमें मिलता है, उसके लिए ब्लेस्ड इज द मैन, धन्य है वो इंसान जो विजडम से ब्लेस, जो विजडम को ढूंढता, जो विजडम को पाता है. कहां से पाते हैं विजडम, ये हमने अभी बात करी. आगे लिखा है फॉर शी इज मोर प्रॉफिटेबल देन सिल्वर. सबसे पहला बेनिफिट क्या है विजडम का, विजडम के बारे में, कि विजडम तो कहीं ज्यादा प्रॉफिट, इससे हमें प्रॉफिटेबल मतलब क्या हुआ, फायदा. हमें विजडम से कहीं ज्यादा फायदा है
अगर हम उस विजडम को सिल्वर जो कि एक प्रेशियस मेटल है जिसकी ज्वेलरी बनती है जो बहुत महंगा बिकता है उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है विजडम। आगे कहते हैं, कहता है वचन, एंड ईयर्स बेटर रिटर्न्स देन गोल्ड, ईयर्स बेटर रिटर्न, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। गोल्ड लोन हम लोग बात करते हैं, हम अपना गोल्ड सरेंडर करते हैं उसके एवज में हम लोन लेते हैं, है ना, कहीं ज्यादा उत्तम जो है, कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल जो है, इसका ईयर्ड कहीं ज्यादा बेटर है विजडम का इन प्रेशियस मेटल्स को कंपेयर करने के करे तो। शी इज मोर प्रेशियस देन रूबीज, रूबीज क्या है, एक प्रेशियस स्टोन है ना, और ये माना जाता है अपनी ब्राइटनेस, अपनी हार्डनेस के बारे में, अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए, और अपने शाइन जो उसका लस्टर है, और जो ट्रांसपेरेंट रूबीज होती हैं वो बहुत रेयर पाई जाती हैं, और ट्रांसपेरेंट रूबीज को डायमंड से भी ज्यादा प्रेशियस माना जाता है। आप सोच लीजिए, ये स्टोन डायमंड से भी ज्यादा प्रेशियस है, रूबी मारे, और बुद्धि जो है, जो विजडम है, इट इज मोर प्रेशियस देन दीज रूबीज। अब आप इसको तौल लीजिए कि हाउ प्रेशियस इज विजडम। आपको मालूम है ना कि सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर से विजडम मांगा, और जब परमेश्वर ने उसको विजडम दिया तो परमेश्वर ने सुलेमान बादशाह को और चीजों से भी ब्लेस किया। आगे कहते हैं, आगे वचन बताती है, नथिंग यू डिजायर कैन बी कंपेयर्ड विद विजडम, जो भी चीज आप डिजायर करते हैं उसको आप विजडम से कंपेयर नहीं कर सकते, इट इज इनकम्पेरेबल। इतने फायदे हैं विजडम के कि हम उसको किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। लिखा है हर लॉन्ग लाइफ इज इन हर राइट हैंड, राइट हैंड में दीर्घायु है, दाहिने हाथ में दीर्घायु है, एंड इन द लेफ्ट हैंड आर रिचेज एंड ऑनर, और बाएं हाथ में रिचेज और ऑनर है, धन और महिमा। लॉन्ग लाइफ, धन और महिमा, ये है दाहिने और बाएं हाथ में। और आगे लिखा है हर वेज आर प्लेजेंट वेज, प्लेजर है अगर हमारे, इफ वी आर ब्लेस्ड विथ विजडम हम ऑब्वियसली सही रास्ते पर चलेंगे, और हमारे लिए हमारा 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 हमारी जिंदगी जो है वो प्लेजर से भरी होगी, प्लेजेंट होगी। और आगे लिखा है एंड ऑल हर पाथ्स आर पीस, जब हम विजडम पर चलने वाले होंगे, सबमिशन टू गॉड, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो आर पाथ्स विल बी पीसफुल, पीसफुल रास्ता, हमारी जिंदगी पीसफुल होगी। शी इज अ ट्री ऑफ लाइफ टू दोज हु एम्ब्रेस हर, तो क्या है, शी इज अ ट्री ऑफ, 18वें वचन में, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बन जाती है। व्हाट इज ट्री ऑफ लाइफ, अबंडेंस, इटर्नल, इटर्निटी। आगे लिखा है कि she is a tree of life to those who embrace her, those who lay hold of her will be blessed. She is a tree of life to those who embrace her. मतलब परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें विजडम को एम्ब्रेस करना है, गले लगाना है। When you embrace someone, जब आप किसी को गले लगाते हैं तो आप अपना दाहिना हाथ और अपना बायां हाथ उसके पीठ के पीठ की ओर, मतलब उसको ऐसे पकड़ते हैं। दैट इज हाउ यू एम्ब्रेस, यू एम्ब्रेस, यू एम्ब्रेस योर स्पाउस, यू एम्ब्रेस योर पेरेंट्स, यू एम्ब्रेस योर योर सीब्लिंग्स, यू एम्ब्रेस योर योर चिल्ड्रन। इसी तरह से हमें वचन कहती है कि हमें विजडम को एम्ब्रेस करना है, सिर्फ एक हाथ से नहीं, हमें विजडम को दोनों हाथ से एम्ब्रेस करना है। क्यों दोनों हाथ से? क्योंकि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है और उसके बाएं हाथ में रिचेज एंड ऑनर है। अगर हम सिर्फ बाएं हाथ से एम्ब्रेस करें तो रिचेज एंड ऑनर होंगे, दीर्घायु नहीं होगी। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिचेज एंड ऑनर जब हमारे पास जिंदगी नहीं होगी? अगर हम सिर्फ दाहिने हाथ से एम्ब्रेस करें तो लॉन्ग लाइफ होगी, रिचेज एंड ऑनर नहीं होगा, जो कि हम में से हर एक इंसान चाहता है।
So God wants us, ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर ने यहाँ वचन में हमें बताया है, हमें लिखा है, हमें दिया है कि we need to embrace wisdom with our right hand and with our left hand. आगे मैं बहुत जल्दी बढ़ूंगी. अब हम आते हैं याकूब की पत्री पर और जो मैंने सेकंड पैसेज लिया है उसका तीसरा अध्याय 13वें वचन से हम आगे बढ़ेंगे. और अगर हम इसको इस अध्याय को पढ़ेंगे तीसरे वचन में तो हम पाते हैं कि शुरू में याकूब ने टीचर्स के बारे में बताया है कि उसकी एक टीचर की कैसी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बारे में बताया है. आगे बढ़ते हैं तो पावर ऑफ द टंग के बारे में बताया है कि हमारी हमारे शब्दों में क्या पावर है, तो हम क्या बोले वो बहुत ही गार्डेड होना चाहिए और परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक चीज हमें सोच समझ के बोलनी चाहिए. और और विश्वास के बारे में भी है. और बहुत एक अच्छी सी बात जो हमें यहाँ पर समझ में आती है विश्वास और बुद्धि के बारे में, विजडम के बारे में. मैं समझती हूँ और जैसा वचन भी बताता है कि हम विश्वास, अगर हम एक इंसान को ऑब्जर्व करें, उसको देखें, तो आई एम श्योर हमें एक आइडिया होता है कि वो इंसान कितना विश्वासी है. वो हम कैसे जान पाते हैं कितना विश्वासी है, उसके बातचीत से, उसके चाल चलन से, हर एक चीज से हमें उसके विश्वास का आइडिया हो जाता है. जरूर है कि जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो स्पीडोमीटर होता है जहां पर हम स्पीड देख लेते हैं, ऐसा कोई मीटर हमारे यहाँ नहीं लगा होता है कि जिसको देखकर हम जान पाए कि वो विश्वासी है कि नहीं है. या वो लाइट डिटेक्टर्स होते हैं ना जिसमें वो लाल बत्ती हरी बत्ती जल जाती, वो भी नहीं है. लेकिन फिर भी हम उस इंसान के चाल चलन को, उसकी बातों को देखकर समझ पाते हैं कि वो कितना विश्वासी है. और यदि हम बुद्धि की बात करें, विजडम की बात करें, तो इवन विजडम को जो कि फेथ एंड विजडम जो है ये हमारे अंदर की इनर क्वालिटी है, लेकिन इट इज रिफ्लेक्टेड इन द पर्सन. इवन विजडम के बारे में यदि हम बात करें तो हम एक इंसान के को देखकर हम बता सकते हैं कि वो इंसान वाइज है कि नहीं है. यदि हम 13वां वचन पढ़े तो वहां लिखा है बहुत क्लियर, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है. और आगे लिखा है लेट हिम, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, लेट हिम शो इट बाय हिज गुड लाइफ बाय डीड्स डन इन ह्यूमिलिटी दैट कम्स फ्रॉम विजडम. यदि तुम अपने आप को ज्ञानवान समझते हो, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर रहे हैं, विजडम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. यदि हम अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं तो हमारे चाल चलन में, हमारे बोल में, हमारे कॉन्डक्ट में वो विजिबल होना चाहिए. और कैसे विजिबल होना चाहिए, जैसे मैंने बताया ये इनविजिबल इनर क्वालिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी इसको हम अपने इस इनर क्वालिटी को हम विजिबल कर सकते हैं अपने चाल चलन से और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो यहाँ वचन कहता है लेट हिम शो इट By his good life. Good life means good conduct. आप अपना जीवन कैसा जी रहे हैं बहुत क्लियरली वो रिफ्लेक्ट करता है. Whether you are wise, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या घमंड की बातें बोल रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, बहुत क्लियरली वो वहां पर रिफ्लेक्ट करता है. आगे लिखा है कि by deeds done in humility that comes from wisdom. Deeds done in humility, meekness, humble होना. हम अपने वर्क प्लेस पर बहुत से ऐसे लोगों से कांटेक्ट में आते हैं जब कोई काम उनको दिया जाता है ना, वो बहुत स्मार्टली एस्केप कर जाते हैं उस काम से, बहुत स्मार्टली किसी और के ऊपर डाल दिया और अपने अलग हो गए. और हाँ, हम कहते हैं कि देखो कितना स्मार्ट है, कितने अच्छे से बच के निकल गया, हम फंस गए उस काम में. दिस स्मार्टनेस जरूर है, फॉर द टाइम बीइंग आपको ऐसा लगता है कि वो स्मार्ट है, लेकिन इज दिस व्हाट द बाइबल सेज, क्या क्या वचन हमसे कहती है कि इस तरह से एस्केप करके, दिस इज व्हाट इज द कंडक्ट,
दिस इज व्हाट इज द कंडक्ट. हम अपने आप को कैसे हमारा चाल चलन, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क कैसा है, क्या ऐसा है. वचन हमसे कहती है, कहता है कि एस्केप कर लो, अपना काम बेवकूफ बना दो, जैसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में किसी दूसरे को. दिस इज दिस दिस स्मार्टनेस इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स और नॉट व्हाट द बाइबल टीचेस. मीकनेस की बात करें, ह्यूमिलिटी की बात करें, तो ह्यूमिलिटी, बहुत से हम में से ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम डिजाइन करते हैं जिसका रिजल्ट जो है वो सेल्फ प्रेज होता है ना. वो एक्चुअली ऐसा डिजाइन करते हैं अपना काम कि उनकी वाहवाही हो या उनकी तारीफ हो, ऐसा काम वो करते हैं. ये इज दिस व्हाट द बाइबल सेज, इज दिस व्हाट द बाइबल सेज. क्या हम, क्या वचन ने हमसे कहा है, वचन हमसे बातचीत करता है, या परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम हर काम अपनी वाहवाही के लिए करें, या अपने आप को दिखाने के लिए कहें कि हम वो काम करें जिससे मसीह की, प्रभु यीशु की महिमा हमारी जिंदगी से हो. दिस इज व्हाट इज ह्यूमिलिटी एंड दिस इज व्हाट द बाइबल सेज कि लेट हिम शो दिस इन हिज कॉन्डक्ट एंड ह्यूमिलिटी इन मीकनेस. ये वचन हमसे कहती है आगे. और ये जो विजडम है, जब हम अपना काम, जो भी काम करते हैं, जब हम हमारे काम से परमेश्वर की महिमा होती है, दिस इज व्हाट इज हेवनली विजडम. बाकी सब जो हम अपनी महिमा के लिए कर रहे होते हैं, दिस इज नॉट हेवनली विजडम. ये तो हम थोड़ा सा शैतान के उसमें चल रहे होते हैं, शैतान की लीग में चल रहे होते हैं. आगे यदि हम 14, 15 और 16 वचन देखें, तो यहाँ पर वचन कहता है, बट इफ यू हार्बर बिटर एनवी एंड सेल्फिश एम्बिशन इन योर हार्ट, जब अब आप अपने दिल में एक बिटरनेस को ग्रूम कर रहे होते हैं अंदर, है ना. वेन यू हार्बर बिटरनेस, बिटर एनवी, जेलसी, सेल्फिश एम्बिशन, हम अपने एम्बिशन के लिए ना, सेल्फिशनेस, अपनी वाहवाही, है ना. जब हम ये चीजें अपने अंदर ग्रूम कर रहे होते हैं, तो व्हाट इज दिस, इसको हम क्या कहते हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ वर्ल्डली विजडम जिसको हम डेड विजडम डिक्लेयर करते हैं. दिस इज नॉट द विजडम फ्रॉम गॉड, क्योंकि वचन हमें, परमेश्वर हमसे वचन में जब बातचीत करता है, तो कहीं वचन में हमको नहीं सिखाया है बिटरनेस रखना, कड़वाहट रखना. यदि हम बात करते हैं ना कि ओल्ड लोग, मतलब मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक 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 बात बता रही हूँ कि विजडम की यदि हम बात करें, तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो जो लोग बुजुर्ग हैं, दे आर वाइज. बट ऐसा भी होता है कि 20 साल से कोई एक ग्रज अपने दिमाग में रखे हुए हैं, है ना. वो बुजुर्गी के आलम में भी वो ग्रज वैसे ही बना हुआ है. देखते हैं बहुत से हम लोग हिंदी मूवीज, दुश्मनी और ये सारी चीजें, वो बुजुर्गी के आलम तक वो ग्रज हमारी जिंदगी में बना हुआ है. इज दिस द हेवनली विजडम, इज दिस द लिविंग विजडम? नहीं. ये तो बिटरनेस अगर हमारे जिंदगी में पल रही है, या जेलसी हमारी जिंदगी में है, ये तो वचन हमें कहीं नहीं सिखाता, क्योंकि ये चीजों का कंट्रोल तो शैतान के हाथों में है. बिटरनेस, एनवी, सेल्फिश एम्बिशन, ये सारी चीजें, ये कंट्रोल शैतान के हाथों में होता है. और क्या होता है, यदि हम 15वां वचन पढ़े, सच विजडम डज नॉट कम डाउन फ्रॉम हेवन, बहुत क्लियर, बट इट इज अर्थली. ये विजडम विजडम जरूर है ना, ये दुनियावी विजडम है, ये विजडम हमें शैतान दे रहा है. और यदि हमारे, यू नो, वो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करते हैं, तो बच्चों को ब्लैंक्स में सही आंसर डालना होता है, और अगर वो ब्लैंक हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो टीचर क्वेश्चन मार्क डाल देती है ना.
वो ब्लैंक्स जब हमारे जिंदगी में रहते हैं, वो क्रेविसेस जब हमारे जिंदगी में रहते हैं, तो उन क्रेविसेस में जो शैतान है वो अपने अपने उसको फंसाने की कोशिश करता है। जैसे हम माउंटेन क्लाइंबिंग पर वो रोप होती है और उसमें एक हुक होता है जिसको हम फंसाते हैं, उसके द्वारा हम ऊपर चढ़ते हैं। तो वो जो क्रेविसेस हमारी जिंदगी में होते हैं, जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, वहां पर शैतान अपना वो फंसाने की कोशिश करता है और धीमे धीमे ऊपर फिर वो कंट्रोल करता है। तो ये जो चीज है, ये विजडम जरूर है, बट ये विजडम शैतान की ओर से है और हम मसीहों के लिए दिस इज अ डेड विजडम। और आगे वचन कहता है कि दिस इज अर्थली, ये अर्थली विजडम है। अर्थली विजडम कैसी होती है? जब हम अपनी जिंदगी स्पिरिचुअली नहीं देखते हैं, हम दुनियावी तौर से सिर्फ उसको सोचते हैं, दैट इज अर्थली विजडम। फिर आगे कहता है कि इट इज अनस्पिरिचुअल और लेट्स से सेंशुअल। जब हम लोग वर्ल्डली डिजायर्स पर जब हम अपनी जिंदगी आधारित करते हैं, इट इज अनस्पिरिचुअल, ऑफ द डेविल, डीमोनिक। बाइबल कहती है डीमोनिक। व्हाट इज डीमोनिक? इंस्पायर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सैटन, बाय डीमंस। बिटरनेस, एनवी, प्राइड, या कह ले जैसे हम अपनी जिंदगी में फॉल्स एलिगेशंस लगा देते हैं, है ना, अपने आप को सही बेटर दिखाने के लिए, या हम अपनी डिजायर्स ऑफ द फ्लैश फुलफिल करते हैं, या कभी कभी अपनी नॉर्मल जिंदगी में बड़े इंक्विजिटिव हो जाते हैं कि दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है ना, देखें जरा क्या हो रहा है, और उसको एक गॉसिप का इशू बना लेते हैं, या एक फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी होती है ना, कि हमसे ज्यादा कोई नहीं कुछ जानता है, मैं हूं। जो लड़ाई को एस्केलेट करते हैं बजाय उसको बुझाने के, उसको एस्केलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें कहाँ से आती है? दिस इज ऑल कंट्रोल, दिस इज वर्ल्डली एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय द डीमंस। और ये जो स्पिरिट्स होती हैं, ये हमारे सोल पर कंट्रोल करती हैं और इनका इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी में होता है। जरूर है कि ये सारी चीजों को देखकर हम देखते हैं कि कैसे दुनियावी लोग सक्सेसफुल भी होते हैं, और कभी कभी हमारा मन भी करता है कि हम भी क्यों ना उस रास्ते पर चले, क्योंकि वो तो सक्सेसफुल है। तुरंत एक मेरे ख्याल से एक बेल हमारे दिमाग में रिंग होनी चाहिए कि क्या ये परमेश्वर की नजर में सही है कि नहीं है, क्योंकि हम किस चीज के लिए हम अपनी जिंदगी, मतलब वी हैव टू prepare ourselves for eternal life, not to live a very comfortable life on earth. आगे वचन कहता है, जब हम आगे पढ़ते हैं, for where you have envy and selfish ambition, there you will find disorder and every evil practice. तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें जो worldly wisdom के बारे में, dead wisdom के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब डीमंस के कंट्रोल में होती है, सेटन के कंट्रोल में होती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ईवल प्रैक्टिस, है ना, और गलत चीजें हम कर रहे होंगे, परेशानी होगी, कंफ्यूजन होगा, ये सारी चीजें, कंफ्यूजन और ये परेशानी, सिकनेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये डीमन कंट्रोल्ड होती हैं। और आज हम दुनिया में देखते हैं कि कितनी लोगों को प्रॉब्लम्स है, स्ट्राइफ है, सिकनेस है, कंफ्यूजन में है लोग। मेजॉरिटी ऑफ वो लोग जो अपने आप को विश्वासी बनाते, जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले और मानने वाले हैं, उनमें भी हम ये चीजें देखते हैं। बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं, या परेशानियां क्यों आती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें, जैसा मैं समझती हूँ, कि कहीं ना कहीं हम लोग ने उस वर्ल्डली विजडम को अपनी जिंदगी में प्रमोट किया है। जब हम उस वर्ल्डली विजडम को अपने जीवन में प्रमोट करेंगे, तो उसका रिजल्ट हमेशा कंफ्यूजन होगा और हर वो चीज जिसमें हम परेशान रहेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हुए अब हम आगे के वचन पे 17 और 18 पे आते हैं, जहां पे लिखा है, अब हम एक कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं, लिविंग विजडम, विजडम फ्रॉम अबव, और डेड विजडम, विजडम फ्रॉम बिलो। क्या लिखा है? बट द विजडम दैट कम्स फ्रॉम हेवन इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर। सबसे पहली चीज, 8 बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज विजडम, ये कॉन्ट्रास्ट है,
जब हम परमेश्वर की तरफ से जब हमें विजडम मिलता है तो उसमें प्योरिटी होती है. प्योरिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ एवरी काइंड ऑफ सिंफुल मोटिव, है ना. वो पाप हमारी जिंदगी से, हमारे कामों से, हमारी जिंदगी से, हमारी सोच से जाता रहता है. देन आगे लिखा है देन पीस लविंग. सो द विजडम, द रिजल्ट ऑफ गॉडली विजडम या लिविंग विजडम इज पीसेबल. तो क्या होता है, ये हमारी जिंदगी में अच्छाई, गुडनेस को लाता है, पीस लाता है. फिर आगे लिखा है इट इज कंसिडरेट या जेंटल, रीजनेबल, या जैसे हम कह रहे वी बिकम मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स, राइट. जो गोल्डन रूल लाइफ का है वो ये कहता है ट्रीट अदर्स हाउ यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, है ना. तो हम जब हम ये जेंटलनेस हमारे में आती है तो जैसा हम चाहते हैं लोगों को ट्रीट करना, हम वैसा लोगों को ट्रीट करें तो हमारे साथ भी वैसे ही होगा. ये जेंटलनेस, ये विजडम हमें देती है, परमेश्वर की विजडम. आगे लिखा है सबमिसिव, विलिंग टू यील्ड. यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं और भी ये बताऊंगी कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो विश्वासी लोग होते हैं, दे आर मोस्टली नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग और दे आर नॉट विलिंग टू यील्ड, सबमिसिव नहीं होते हैं. और कहीं कहीं पर हमें नहीं भी होना चाहिए, जहां पर हम गॉस्पल की स्क्रिप्चर की बातें करें या मोरालिटी की बात करें, तो यहाँ पर आई थिंक वी शुड बी अ लिटिल नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग. बट अदरवाइज स्टबर्नेस या बींग स्टिफ नेक्ड या अनबेंडिंग एटीट्यूड जो होता है, दिस इज वॉट इज अनयील्डिंग, है ना. तो हमें क्या होना है, जो परमेश्वर की तरफ से जो विजडम होता है, दैट इज नॉट टू बी रिजिड. दूसरों की सुनो, हा? और दूसरों की सुनो और परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने. देन वो कहता है इट इज फुल ऑफ मर्सी. जो विजडम परमेश्वर की तरफ से आती है, ये पांचवी चीज है कि इट इज फुल ऑफ मर्सी. और वी आर मर्सीफुल टू अदर्स, क्योंकि वचन भी हमें ऐसा सिखाती है कि सर्मन ऑन द माउंट जब हम देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यू विल बी मेजर्ड विद द सेम मेजर, है ना. तो यह हमें सिखाती है दैट वी नीड टू बी मर्सीफुल. और ये विजडम जब परमेश्वर की तरफ से हमें आती है, मिलती है, तो वी आर मर्सीफुल. आगे कहती है फुल ऑफ गुड फ्रूट. तो यहाँ पर गुड फ्रूट क्या है, Galatians 5 में जब हम देखेंगे तो वो गुड फ्रूट के लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस एंड जेंटलनेस, ये है. वी आर फुल ऑफ, वी आर ब्लेस्ड विद दीज गुड फ्रूट. आगे कहता है इट इज impartial, विदाउट पार्शियलिटी. परमेश्वर जो है, जब विजडम देता है तो वो विदाउट पार्शियलिटी हमें देता है, विदाउट जजिंग पीपल वो हमें देता है. ही डज नॉट जज पीपल ऑन द बेस ऑफ रेस, क्लास या नेशनैलिटी या हम मसीह हैं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये ब्लेसिंग हमें मिलती भी कि विदाउट पार्शियलिटी. देन सिंसियर, विदाउट हिपोक्रेसी, बनावटी, कोई प्रटेंडिंग टू बी समथिंग यू आर नॉट. बनावटीपन हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए. सो इट इज परमेश्वर की ओर से जो विजडम होता है, इट इज रियल, इट इज ऑथेंटिक, इट इज गॉडली एंड इट इज अ लिविंग विजडम. और यदि यहाँ पर फिर से अगर हम सर्मन ऑन द माउंट की बात करें, जो बी एटीट्यूड्स हैं, वहां पे लिखा है ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, दे विल सी द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस. सो जब ऐसे लोग अपनी राह पर जाते हैं तो दूसरे लोग इन लोगों से ब्लेस्ड होते हैं. और इस पृथ्वी पर जैसा मैं सोचती हूँ और आई एम श्योर आप भी हमसे अग्री करेंगे कि ये जो आठ बातें हैं जो अभी हमने सीखी वर्ल्डली विजडम की, हमें हम कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आठों कैरेक्टरिस्टिक इज एग्जेम्प्लीफाइड ऑन अर्थ ओनली बाय जीसस क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह में ही हमने ये आठ बातों को देखा है. और अगर हम अपने आप का एक टेस्ट करें और अपने आप को जांचें, तो आई एम श्योर अगर हम अपने आप को मेजर करें तो
So we are lacking somewhere in all these eight characteristics. और I'm sure आप भी इस चीज से agree करेंगे कि आप भी जब आप करेंगे अपने आप को measure, तो you will also find yourself lacking in some of these things. लेकिन सबसे confidence की बात क्या है? What makes us very confident is जो प्रभु यीशु मसीह जिनमें ये आठों चीज exemplified थी, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर रहता. This is the confidence that we have. This is the confidence that we, although we may be lacking in many of these things, लेकिन जिसमें ये क्वालिटी सारी थी, जिसने अपनी जिंदगी में पृथ्वी पर रहकर एग्जेम्प्लीफाई किया, दिखाया, ये सारी क्वालिटीज उनमें देखी गई, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है. एंड दिस इज सच एन अमेजिंग थॉट, सच अ थ्रिलिंग थॉट, सच अ पावरफुल थॉट. इट गिव्स अस दैट पावर, दैट कॉन्फिडेंस कि वो प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है. आज हम लोग सब मिलकर इस वक्त बोले थैंक यू जीसस. आप सब बोले थैंक यू जीसस, लिव इन मी एंड लिव थ्रू मी. हमें वो विजडम चाहिए और वो विजडम प्रभु यीशु मसीह जब हमारे अंदर होगा तब हमें वो विजडम मिलेगा. लेट अस फोकस ऑन जीसस, लेट अस फोकस ऑन द रियल विजडम, लेट अस फोकस ऑन द लिविंग विजडम. और प्रभु यीशु मसीह हम सब से ये चाहते हैं. और जब भी हम अपनी जिंदगी की दौड़ में वेन एवर वी फाइंड ourselves फेलिंग इन एनी वन एरिया of these eight qualities, let us run to God. हम सब परमेश्वर की ओर दौड़े और परमेश्वर जरूर हमें संभालेगा. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. आमीन. थैंक यू सो मच सिस्टर नीना. एक बार फिर से हम सबको वो बेसिक्स और वो रिमाइंडर के लिए कि यस, दोज आर द एट what do we call characteristics of our life, जहाँ से हम अपने life को measure कर सकते हैं. Are we preparing our final destination, yes or no? So thank you so much for this wonderful thought and teaching us for heavenly wisdom and earthly wisdom. And I always conclude this earthly and heavenly wisdom with the incident जो उस दिन crucifixion के समय हो रहा होता है. और एक डाकू अर्थली विजडम में उसको पहचान के भी शायद अपने घमंड में और सब चीजों में बोलता है कि अगर तू मसीह है तो खुद भी बच और मुझे भी बचा. एंड द अदर डाकू सेज विद द हेवनली विजडम, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधी लेना. एंड परमेश्वर सेड टू हिम कि तू आज नहीं अभी इसी वक्त मेरे साथ स्वर्ग में होगा. सो दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ हेवनली विजडम. मे गॉड ब्लेस यू. एंड यस, अब ये वो समय होगा कि हम अपनी टेस्टिमनीज के साथ में उस परमेश्वर की हमद सना कर सकते हैं. अगर ये फोरम ओपन है हमारे बीच में, अगर कोई परमेश्वर की जलाल के लिए अपने विजडम को, अपनी टेस्टिमनी को लेके आना चाहता है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा खान आंटी से. हमारे बीच में है मिसेस राज खान आई बिलीव, और वो परमेश्वर की, यस आंटी अब हम आपको देख सकते हैं. और टेस्टमनी में जाने से पहले आंटी के बारे में मैं बताऊं, आंटी मेरी बहुत नियर एंड डियर हैं और पिछले 15-20 दिनों से फीवर था, वेट लॉस हुआ, सब कुछ हुआ, बट द फेथ एंड द विश्वास उस परमेश्वर का था. उन्होंने बोल रहा था एवरी डे, वो मेरे से भी लड़ाई करती थी वो परमेश्वर से कि मुझे आज वर्शिप करनी है साथ में, आज वर्शिप करनी है साथ में. एंड द डे कम, आज वो हमारे बीच में है और परमेश्वर के लिए गवाही देने जा रही है. यस आंटी, हम आपका स्वागत करते हैं, प्लीज. जय मसीह की. जय मसीह की. मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपकी दुआओं का ये असर हुआ है कि मैं आज आपके सामने बैठ के अपनी गवाही दे सकूं. मैं धन्यवाद करती हूँ आशीष का और शालिनी का भी, जिसके जरिए मुझे ये शक्ति और ताकत मिलती है कि मैं कुछ कह सकूं. मैं अगस्त में बीमार पड़ गई थी, बुखार मुझे आ रहा था, और उससे पहले
मैं आशीष से भी मिली थी और मैंने आशीष को बोला कि आशीष देखो मेरे पैर में स्वेलिंग हो रही है, तुम मेरे लिए दुआ करना। और शालिनी को भी मैंने बोला कि शालिनी बेटा मेरे लिए भी दुआ करना ताकि मैं अच्छी हो जाऊं। तो आशीष ने बोला कि आंटी और कोई बात तो नहीं है, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा फर्क पड़ा नहीं, ना मालूम पड़ता था कि हाँ कोई तकलीफ मुझे ऐसी है। लेकिन जब मुझे बुखार आया तो 4-5 दिन मैं दवाई खाती रही, लेकिन उस दवाई से ये असर हुआ कि हाँ बुखार मेरा उतर गया। तो रीना जी ने और अलबर्ट जी ने बोला कि डॉक्टर के पास चलो। तो डॉक्टर के पास जब गए तो रीना जी कहने लगी कि आज ये बिल्कुल सही हो जाएंगे क्योंकि ये डॉक्टर के पास गई। तो उस दिन तो मेरे को बुखार नहीं था और बुखार उतर भी गया। 2-4 दिन तो मैं ठीक रही, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए ठीक रही, लेकिन फिर सितंबर 5 को फिर मुझे बुखार आने लगा। मैं वॉक पे भी जाती थी तो मैंने बाहर जाना भी छोड़ दिया, ये सोच करके शायद कोई जम से कीटाणु मेरे अंदर आ गया है। ना किसी से मिलती थी, ना किसी से मतलब वो करती थी, बैठती भी नहीं थी, दूर दूर से बात करती थी, लेकिन फिर भी ये शक मेरे मन में था। और जब बुखार आया तो मैंने मेरी होती मेरे पास बैठी थी और मेरा बेटा भी बैठा था, मैंने ये कहा कि खुदा मेरे संग ये क्यों ऐसा होता है कि मुझे बार बार बुखार आता है, इससे अच्छा तो तू उठा ले। तो बेटा बोला कि अल्बर्ट खान बोले कि मम्मी ऐसे नहीं कहते हैं, आपसे तो और भी लोग ऐसी कंडीशन में पड़े हुए हैं जो कि बहुत बीमार हैं और खुदा सबकी सुनता है, आप ऐसा मत बोला करो। तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ मैंने गलत बोला और मैंने कहा जीसस मुझे सॉरी कि मैंने ऐसा सोचा। और फिर जब बुखार आ रहा था तो फिर डॉक्टर के पास अल्बर्ट जी ले गए और अल्बर्ट ने डॉक्टर से सब बातें बताई। तो डॉक्टर ने ये पूछा कि यूरिन में जलन है, तो मैंने कहा हाँ कुछ हथेली में और पैरों के तलवे में भी कुछ जलन सी होने लगी थी, तो मैंने कहा है। तो पहले भी उन्होंने पूछा था पर मैं ये सोचती थी कि पानी कम पीती हूँ तो शायद ये हो जाता है। तो डॉक्टर ने भी फिर यूरिन टेस्ट के लिए बोला और उसमें यूरिन टेस्ट में मतलब इन्फेक्शन आया, तो उनने इलाज किया। मैं खुदा से भी दुआ करती थी, मेरे सारे परिवार के लोग भी दुआ करते थे और आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ की है और आप लोगों की दुआ के उससे मैं आज यहाँ बैठी हूँ। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ शालिनी और आशीष को भी और अपने परिवार के बच्चों को जो रात दिन मेरी सेवा पे लगे रहे, अल्बर्ट जी, रीना जी और मेरी पोती आलिया। आलिया ने तो रात दिन एक कर दिया था, रात को सोने से पहले भी वो मेरे पास आके मेरा टेम्परेचर चेक करना, मेरी हर चीज को वो ध्यान में रखती थी, मेरा टेम्परेचर लेना, बीपी चेक करना, हर चीज दवाई का ध्यान रखना। और रीना जी तो मेरी सेवा में लगी रही, अल्बर्ट जी ने, मैं इनका भी लाख लाख शुक्र करती हूँ। और उन तमाम रिश्तेदारों का जो कि मेरे बारे में पूछते थे, दुआ करते थे और फोन पे बातें करके मेरा हालचाल जानते थे, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ और सबको धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का। जीसस का धन्यवाद करती हूँ कि आज उसने मुझे इस लायक किया कि मैं ठीक हूँ। और आप लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा आपकी दुआओं में हमें याद रखें। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू आंटी। और मैं बार बार ये कहता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत कस के पकड़ के रखा हुआ है। यस सो दिस वाज द स्माइल और वो खुशी परमेश्वर देखना चाहता है। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ जब भी मिलता हूँ हमें बस इसी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में
खुश रहना है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। मे गॉड ब्लेस यू आंटी। और कोई भी अगर अपनी गवाहियों को लेकर के आना चाहता है तो हम अगले 5 मिनट और हैं हमारे पास में, नहीं फिर हम क्लोजिंग प्रेयर में जाएंगे। एनीवन? ओके निलिशा, डू यू हैव एनी टेस्टिमनी? यस, आप सभी को जय मसीह की। परसों मैं साइकिलिंग कर रही थी रोड पर, तो मेरी साइकिल स्किड कर गई थी, तो मैं जीस पापा को थैंक यू कहती हूँ कि मुझे कोई चोट नहीं लगी, बस मुझे थोड़ा सा खरोच आ गई खरोच, और तो मैं जीस पापा को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक्सीडेंट से बचाया। थैंक यू, थैंक यू सो मच निलिशा, मे गॉड ब्लेस यू। यस, परमेश्वर ने आपको भी बचा के रखा है और यहाँ बैठे हर एक जन को परमेश्वर ने अपने दोनों हाथों से थाम के रखा है। अब हम क्लोजिंग प्रेयर में चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए और अपनी उस सारी सामर्थ के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके साथ रखा। आइए, सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपका कि आपने इस पूरी वर्शिप को लीड किया प्रभु यीशु नासरी, और वो रिमाइंडर, वो साइंस, वो कैरेक्टरिस्टिक्स परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में अपने भवन से, अपने हेवन से दे के दिए हैं परमेश्वर, हमें समझाने में परमेश्वर हमारी अगुवाई करी सिस्टर नीना के थ्रू। परमेश्वर आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करें परमेश्वर, और वो प्रोफेसी जो आज इस वर्शिप में पास्टर अमर भाटिया के द्वारा उनके लिए हुई है प्रभु यीशु नासरी, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु यीशु नासरी वो हीलिंग, वो पूरी कंप्लीट प्रोफेसी परमेश्वर रिसीव करता हूँ सिस्टर नीना के लिए प्रभु जी, कि आने वाले दिनों में वो गवाही, वो टेस्टमनी परमेश्वर उस घर से निकलने वाली हो पाएगी। थैंक यू फादर कि आपने उस प्रोफेसी को, उस गवाही के लिए तैयार किया है परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को परमेश्वर आपने अपनी अगुवाई में रखा, यह खास करके धन्यवादित है प्रभु यीशु नासरी खान आंटी के लिए प्रभु, कि आपने आज वो समय दिया परमेश्वर, वो नियत समय नियत ठहराया परमेश्वर, कि वो आज आकर के हमारे बीच में आपकी महिमा और जलाल का कारण बनी परमेश्वर। आप उन्हें बहुतायत से ब्लेस करें, आप अपने लोगों के पाड़े में संभाल के रखें परमेश्वर, क्योंकि वो हमारी बुजुर्ग हैं परमेश्वर, और बुजुर्ग का घर में होना प्रभु यीशु नासरी आपकी उपस्थिति के बराबर है। थैंक यू फादर कि आपने उन्हें हमारे मध्य में रखा हुआ है परमेश्वर। यहाँ इस वर्शिप में बैठे हर एक जन को परमेश्वर, फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हर एक जन, हर एक परिवार को प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, और वो होली फायर का बपतिस्मा देता हूं परमेश्वर, वो विजडम जो उस स्वर्ग से है परमेश्वर उसको रिसीव करने वाले बने हम परमेश्वर, ना कि इस संसार की, इस अर्थ की उस विजडम को रिसीव करने वाले बने परमेश्वर, कि लास्ट डेज में उस दिन प्रभु यीशु नासरी जब आप हमारे सामने हो परमेश्वर, हमारी कुप्पियां खाली हो चुकी हो परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु कि हमारी वो विजडम आपकी तरफ से हो और हम हर पल हर घड़ी तैयार पाए जाए प्रभु। थैंक यू फादर इस पूरी वर्शिप के लिए परमेश्वर, प्रेजेस के लिए परमेश्वर, टेस्टिमनीज के लिए परमेश्वर, आप हम सभी के साथ हो प्रभु यीशु नासरी। इस वर्शिप के बाद में जब हम अपने अपने स्थानों में होते हैं परमेश्वर, अपने अपने घरों में होते हैं प्रभु यीशु नासरी, हर एक घर को आप अपने लहू के बाड़े में लीजिए परमेश्वर, अच्छी मीठी नींद दीजिए परमेश्वर, हर घर के प्रभु जी हर एक खत्ते को प्रभु यीशु नासरी आप अपने स्वर्ग के भंडारों से भरिए परमेश्वर, उस वचन को हमारे जीवनों में जिंदा रहने में हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर, हमारी वेदी को परमेश्वर हर वक्त सरगन बना के रखिए। थैंक यू फादर कि आपने सुना है, ग्रहण किया है परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर ये सारी आशीषें प्रभु यीशु नासरी, अब से लेकर परमेश्वर जब तक आप दोबारा नहीं आ जाते हैं परमेश्वर, हमारे साथ बनी रहे, ये वचन हमारे साथ बनी रहे। हाँ, सबको प्रभु यीशु नासरी आशीषित करिए, और हम सबको प्रभु आप अपनी पनाह में लीजिए। थैंक यू फादर प्रभु यीशु नासरी, प्रभु सारा कुछ आपकी महिमा और जलाल के लिए हो, आपके नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन और आमेन। सो मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे, और हर वो चंगाई, हर वो आशीषें जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आपके जीवनों में पाई जाए, सब कुछ जय मसीह की। जय मसीह की। सो ये